कहते हैं कि डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाए तो उसकी नैया पार लग जाती है। ऐसा ही कुछ संजय दत्त के साथ भी हुआ, जब अत्यधिक नशेबाजी के कारण उनका फिल्मी कैरियर डूबने के कगार पर आ गया था, तब उन्हें एक ऐसी फिल्म का सहारा मिला जिसने उन्हें नया जीवन दिया। जी हाँ, यह फिल्म है साल 1986 में आई नाम। आर्यन फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था कुमार गौरव ने तथा इसके निर्देशक थे महेश भट्ट। तकरीबन 2 घंटे 57 मिनट लंबी इस फिल्म की कथा, पटकथा व संवाद लिखे थे सलीम खान ने तथा इसे रिलीज किया गया था 12 सितंबर 1986 को। फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे नूतन, कुमार गौरव, संजय दत्त, पूनम ढिल्लन, अमृता सिंह, पंकज उधास, परेश रावल, आकाश खुराना, राम मोहन, मोहन शेरी, आशुतोष गोवरीकर, कमलदीप आदि। फिल्म नाम अपने अर्थपूर्ण व कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं अमीरों की शाम, गरीबों के नाम, तेरे दिल की तू जाने, तू कल चला जाएगा के दो वर्जन, वैरिया वे और चिट्ठी आई है। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, पंकज उधास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म नाम साल 1986 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाओ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म आखिरी रास्ता, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सेमी हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म नाम के बनने में 4 ऐसे लोगों की अहम भूमिका रही जिनमें खुद को साबित करने की आग दबी हुई थी। ये 4 लोग थे महेश भट्ट, कुमार गौरव, सलीम खान और संजय दत्त। महेश भट्ट, जिनके कैरियर की शुरुआती 4 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही थी, जिसके बाद उन्होंने अर्थ और सारांश जैसी कामयाब फिल्में तो दी, लेकिन महेश भट्ट का सपना था कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करें। इधर कुमार गौरव ने भी अपनी डेब्यू फिल्म लव स्टोरी की बेशुमार सफलता के बाद कई फिल्में तो की, लेकिन कोई भी आशातीत सफलता हासिल नहीं कर पाई और लोग उन्हें वन हिट वंडर की संज्ञा देने लगे। बात करें सलीम खान की तो उन्होंने इससे पहले एक से बढ़कर एक कल्ट फिल्में लिखी थीं, लेकिन जावेद अख्तर से अलग होने के बाद लोग दबे जुबान में ये कहने लगे कि सलीम जावेद की जोड़ी में सलीम खान महज खाना पूर्ति के ही होते थे, असली काम तो जावेद अख्तर ने किया है। यह बात सलीम खान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगती थी और वो खुद को साबित करने के लिए आतुर थे। इधर संजय दत्त भी ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पाने के बाद एक अदद हिट की तलाश में थे, ताकि अपने उन आलोचकों की बोलती बंद कर सके जो ये कह रहे थे कि इस नशेड़ी का अब कुछ भी नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म को बनाने का वास्तविक आइडिया महेश भट्ट को आया था और जब उन्होंने यह आइडिया कुमार गौरव को सुनाया तो इन्हें भी काफी रोचक लगा और इस पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद महेश भट्ट ने ये आइडिया सलीम खान को सुनाया और कहा कि कुमार गौरव इस पर एक फिल्म बनाने को तैयार है, अतः आप इस पर एक फिल्म लिखें। कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार, जो फिल्म के वास्तविक निर्माता थे, उन्हें भी ये आइडिया काफी जचा और उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। वास्तव में राजेंद्र कुमार अपने बेटे के गिरते कैरियर ग्राफ को लेकर काफी चिंतित थे और ऐसे ही किसी सब्जेक्ट की तलाश में थे। बहरहाल फिल्म की कहानी जब तैयार हुई तो कुमार गौरव ने इस बाबत संजय दत्त से चर्चा किया। संजय को भी कहानी काफी आकर्षक लगी और उन्होंने भी फिल्म का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। इस बारे में जब कुमार गौरव, सलीम खान और महेश भट्ट के बीच में चर्चा हुई तो यह निर्णय लिया गया कि फिल्म में संजय को उनके वास्तविक छवि के अनुसार एक बिगड़े हुए बेटे की भूमिका सौंपी जाए। इधर जब राजेंद्र कुमार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने कुमार गौरव से कहा कि फिल्म में जो भूमिका संजय को तुम दे रहे हो, वास्तव में वो ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि फिल्म के अंत में जिस नायक की मृत्यु हो जाती है, लोगों की सहानुभूति उसी के साथ जाती है और भविष्य में उसे ही याद किया जाता है। मैं कतई भी नहीं चाहूंगा कि तुम इस भूमिका को हाथ से जाने दो। कुमार गौरव अजीब कश्मकश में पड़ गए। एक तरफ उनके पिता की इच्छा और खुद का डूबता हुआ कैरियर था, तो दूसरी तरफ संजय दत्त जैसे मित्र और खुद के साले का कैरियर था।
था। खैर, इस कश्मकश में आखिर दोस्ती जीत गई और कुमार गौरव ने कुर्बानी देते हुए फिल्म की मुख्य भूमिका संजय दत्त को सौंप दी। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म के दौरान संजय दत्त अमेरिका के एक नशा मुक्ति केंद्र से लंबी इलाज के बाद लौटे थे। वहां से लौटते वक्त संजय एल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक एक किताब लेकर आए थे और अक्सर उसे पढ़ा करते थे, जो उन्हें नशे से दूर रहने में मदद करता था। गौरतलब है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान नशे की लत ने महेश भट्ट को भी आ घेरा और वो रोज एक बोतल तक शराब पीने लगे। संजय को जब इस बाबत जानकारी मिली तो उन्होंने महेश भट्ट से शराब कम करने की गुजारिश की और न केवल उन्हें कई टिप्स दिए बल्कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक वो किताब भी दी जो वो अमेरिका से लेकर आए थे। फैक्ट नंबर 5, नाम फिल्म देखने के बाद सुभाष घई ने कहा था कि महेश संजय के साथ सफल रहा जबकि मैं विधाता में सफल नहीं हो पाया था। इसके विपरीत एक कहानी कुछ यूं भी मशहूर है कि फिल्म नाम के रिलीज से पहले जब इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई तो वहां सुभाष घई भी मौजूद थे। उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को रोककर कहा कि आप किस नशेड़ी की फिल्म को खरीदने जा रहे हैं, इससे बेहतर तो आपको मेरी फिल्म कर्मा खरीदनी चाहिए। ये सब बोलते हुए सुभाष घई गौर नहीं कर पाए कि उनके पीछे ही संजय खड़े हैं और उन्होंने सारी बातें सुन ली है। कहते हैं कि गुस्से की अधिकता के कारण संजय ने उनका कॉलर पकड़ लिया था और उन्हें घूंसा तक जड़ने वाले थे। वो तो भला हो सुनील दत्त साहब का जिन्होंने संजय को रोका और मामले को शांत कराया। फैक्ट नंबर 6, बात करें फिल्म के लोकप्रिय गीत चिट्ठी आई है कि तो इसे देखते वक्त थिएटरों में लोगों की आंखें नम हो जाती थीं और फिल्म खत्म हो जाने के बाद दर्शक विशेष आग्रह करके इस गाने को दोबारा चलवाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कई भारतीय जो विदेशों में जाकर बस गए थे वो इस गाने से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने भारत लौटने तक का फैसला कर लिया था। इस गाने की लोकप्रियता और प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीबीसी रेडियो ने इसे 100 सॉन्ग्स ऑफ द मिलेनियम में भी शामिल किया है। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म का नाम शुरू में रास्ता रखा जाना तय हुआ था लेकिन आगे जाकर इसे बदल कर नाम कर दिया गया। वास्तव में इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है। दरअसल फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट, लेखक सलीम खान और दोनों लीड एक्टर संजय और कुमार गौरव कहीं न कहीं खुद के नाम को स्थापित करने के प्रयास में थे। ऐसे में उन्होंने निर्णय किया कि इस फिल्म का नाम रखा जाए जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहे और हम अपना 100% दे सकें। फैक्ट नंबर 8, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है पर इस वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान हमें यह पता चला कि फिल्म नाम से पहले महेश भट्ट ने पूनम ढिल्लन को लेकर कई इंटरव्यूज में कहा था कि वो पूनम जैसे कम प्रतिभाशाली अभिनेत्री के साथ काम करना नहीं चाहते। इसके जवाब में पूनम ढिल्लन ने कहा था कि वो भी महेश भट्ट जैसे पागल निर्देशक के साथ काम करना नहीं चाहती। खैर, बात में अगर कोई भी सच्चाई होगी तो दोनों के बीच का यह कड़वाहट फिल्म नाम के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूनम ढिल्लन महेश भट्ट से काफी नाराज हो गई थी क्योंकि महेश जी ने फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करवाए जिससे पूनम ढिल्लन की भूमिका बेहद छोटी हो गई। ऐसे में उन्होंने मांग किया कि उन्हें फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर क्रेडिट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पूनम फिल्म में बस खाना पूर्ति करते ही नजर आई। फैक्ट नंबर 9, राजेंद्र कुमार की फिल्म निर्माण कंपनी आर्यन फिल्म्स की यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। ऐसा होने के पीछे कारण यह था कि इसमें उनके लायक कोई भूमिका ही नहीं थी, जैसा कि आर्यन फिल्म्स के पिछली और आगामी कई फिल्मों में देखने को मिलता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि राजेंद्र कुमार की जगह पर कुमार गौरव को क्रेडिट दिया गया था, जो कि कहीं न कहीं फिल्म के बनने के दौरान राजेंद्र कुमार की नाराजगी को दर्शाती है, जो संभवतः संजय दत्त को लेकर हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में एक दृश्य है जहां संजय दत्त के द्वारा इस्त्री किए गए शर्ट को चुपचाप से कुमार गौरव पहन लेते हैं और पहनकर घर से निकल जाते हैं। इस दृश्य को लिखने की प्रेरणा सलीम खान को अपने बेटों सलमान, अरबाज और सोहेल खान से मिली थी, जो कुछ कुछ ऐसा ही किया करते थे। बताता चलूं कि राजेंद्र कुमार ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने सलीम खान को फिल्म से ऐसे दृश्य हटाने की सलाह देते हुए कुछ नए आइडियाज दिए। इस पर सलीम खान ने राजेंद्र कुमार से कहा कि आपके आइडियाज बुरे तो नहीं हैं, लेकिन मैं अपने स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं चाहता। अगर आप बिना बदलाव के इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने को तैयार
तैयार हैं तो बनाएं अथवा कोई बात नहीं। सलीम खान के इस तेवर को देखकर राजेंद्र कुमार ने पीछे हटना ज्यादा मुनासिब समझा और उन्होंने बदलाव करने का इरादा त्याग दिया। फैक्ट नंबर 11, कुमार गौरव न केवल संजय दत्त के बहुत अच्छे दोस्त थे बल्कि उनके जीजाजी भी थे। दरअसल संजय की बहन नम्रता दत्त से कुमार गौरव की शादी हुई थी। वास्तव में संजय और नम्रता ही थे जिन्होंने कुमार गौरव को विजेता पंडित के ब्रेकअप से उबरने में मदद की थी और इसी दौरान नम्रता और कुमार गौरव एक दूसरे के करीब आए और शादी का फैसला किया। वैसे बात करें फिल्म नाम की तो इस फिल्म में कुमार गौरव ने संजय दत्त के बड़े भाई की भूमिका निभाई है और इसको लेकर बहुत से लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि संजय असल जिंदगी में कुमार गौरव से एक साल बड़े हैं। लेकिन सच तो यह है कि संजय का जन्म वर्ष 1959 है जबकि कुमार गौरव का जन्म वर्ष 1956 है। इस लिहाज से संजय 3 वर्ष छोटे हैं। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म के रिलीज से पहले अमिताभ बच्चन ने खुद के लिए इसका एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करवाई थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने फिल्म से जुड़े तकरीबन सभी लोगों की तारीफ की सिवाय फिल्म के लेखक सलीम खान के। कहते हैं कि उन दिनों किसी बात पर दोनों के बीच अनबन हो रखी थी और शायद इसी कारण अमिताभ बच्चन ने सलीम खान को नजरअंदाज किया था। इस बाबत जब सलीम खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमिताभ ने भले ही सीधे तौर पर मेरी तारीफ नहीं की हो लेकिन जब उन्होंने फिल्म की तारीफ की है तो प्रत्यक्ष रूप से उसमें मेरी भी तारीफ शामिल है। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के गीत चिट्ठी आई है को पंकज उधास ने न केवल अपनी आवाज दी बल्कि इसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। पर यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब राजेंद्र कुमार ने उन्हें इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए कहा तो पंकज उधास काफी डर गए थे। अगले कुछ दिनों बाद जब राजेंद्र कुमार ने उन्हें फोन किया तो पंकज जी ने डर के मारे फोन ही नहीं उठाया। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने इनके बड़े भाई मनोज उधास को फोन किया और सारा माजरा समझाया। मनोज जी ने अपने भाई को समझाया कि फिल्म करना या न करना अलग बात है पर फोन न उठाना बिल्कुल गलत है। इसके बाद उन्होंने राजेंद्र कुमार और पंकज उधास की बात करवाई जिसमें पंकज जी को पता चला कि उन्हें शूटिंग में अभिनय के नाम पर सिर्फ स्टेज पर बैठकर अपने ही गाने में लिप सिंक करना है। यह सुनकर पंकज उधास की सारी भ्रांति दूर हो गई कि उन्हें कुमार गौरव और संजय दत्त के साथ अभिनय करना है और डायलॉग्स भी बोलने होंगे। खैर पंकज उधास ने कुछ दिनों बाद गाने की शूटिंग में हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति से उस गाने में 4 चांद लगा दिए। फैक्ट नंबर 14, फिल्म नाम की जबरदस्त सफलता के बाद हर तरफ संजय दत्त और कुमार गौरव के बीच अनबन की खबरें उड़ने लगी जिसका कारण बताया गया कि फिल्म का सारा लाइमलाइट संजय दत्त ने लूट ली है और कुमार गौरव के हिस्से कुछ भी नहीं आया है। इस बाबत जब संजय दत्त से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे रिश्ते बिल्कुल सामान्य हैं। मेरे लिए कुमार गौरव तो वो है जिसके लिए मैं हंसते हंसते अपनी खून की आखिरी बूंद भी बहा सकता हूँ और ऐसा इसलिए नहीं कि वो मेरे जीजा हैं बल्कि वो मेरा जिगरी दोस्त है। फैक्ट नंबर 15, कहते हैं कि सबका वक्त एक न एक दिन अवश्य आता है। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में काम करने वाले एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ भी हुआ जो आगे चलकर एक मशहूर निर्देशक बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशुतोष गोवारिकर की जो इसमें एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में नजर आए थे। वीडियो के अंत में एक बोनस फैक्ट भी आपको बता दूं कि इस फिल्म में अनुपम खेर ने भी काम किया था। आप कहेंगे कि क्या मजाक है, वास्तव में यह कोई मजाक नहीं बल्कि पूरी तरह से सच है। दरअसल इस फिल्म में अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी थी वो भी फिल्म के एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिल्म का वो किरदार कौन था। बहरहाल आज की वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।